एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज्योति कपूर। आई एम ज्योति कपूर। तो कैसे हो बच्चों? बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास फोर्थ का चैप्टर वन लार्ज नंबर, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर्स। तो बच्चों आज हम करेंगे कि कैसे एक नंबर का सक्सेसर फाइंड करते हैं और प्रीडिसेसर फाइंड करते हैं। तो बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, नंबर्स दिए होते हैं, उसमें हमने उस नंबर का सक्सेसर भी फाइंड करना है और प्रीडेसेसर भी फाइंड करना है। तो बच्चों पहले हम देखेंगे सक्सेसर और प्रीडेसेसर प्रॉपर होता क्या है। सक्सेसर होता है हमारा प्लस वन। कोई भी नंबर हमें दिया हो और हमें उसका सक्सेसर बताना हो तो उस नंबर में हम वन प्लस कर देंगे तो हमारा सक्सेसर नंबर फाइंड हो जाएगा। उसी तरह प्रीडेसेसर पूछा हो तो प्रीडेसेसर में क्या करना है बच्चों, हमें माइनस वन करना है। कोई भी नंबर दे रखा हो और उसका प्रीडेसेसर निकालना हो तो क्या करेंगे, उस नंबर में से वन माइनस कर देंगे तो वो हमारा प्रीडेसेसर नंबर निकल आएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें फाइंड करना है सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर और नंबर हमें दे रखा है ओनली नंबर 1000। 1000 का हमें सक्सेसर भी बताना है और प्रीडिसेसर भी बताना है। तो बच्चों जैसे मैंने बताया था, सक्सेसर मीन्स वन प्लस, प्रीडेसर्स मीन्स वन माइनस। एक और पहचान आप रख सकते हैं प्री। प्री मीन्स हम फाइंड लिखेंगे पहला। प्री पहला मतलब जो नंबर हमें दिया होगा उससे पहले वाला नंबर हमें राइट करना है तो वो हमारा नंबर प्रीडेसेसर हो जाएगा। और जब हम प्रीडेसेसर की पहचान हो जाती है तो सक्सेसर की पहचान अपने आप हो जाएगी कि सक्सेसर मीन्स होता है अगला। सक्सेसर मीन्स क्या नंबर राइट करेंगे, अगला, और प्री मीन्स पहला। तो ऐसे भी पहचान रख सकते हैं कि प्रीडिसेसर आ जाए तो पहला नंबर, इट मीन्स वन माइनस करके उससे पहले वाला नंबर, और सक्सेसर मीन्स वन प्लस करके उससे आगे वाला नंबर राइट करना। अब हमें नंबर दे रखा है 1000। 1000 का हमें सक्सेसर भी बताना है और प्रीडिसेसर भी बताना है। सक्सेसर में क्या करते हैं बच्चों, वन प्लस करते हैं। अब हमारे पास 1000 नंबर है, उसमें वन प्लस कर देंगे तो क्या नंबर आ जाएगा, 1001। इसी तरह अब हमें इसका प्रीडिसेसर बताना है तो क्या करेंगे बच्चों, प्रीडिसेसर मीन्स वन माइनस करना उससे पीछे वाला नंबर। अब वन हम माइनस करेंगे, जीरो में से वन नहीं कट हो सकता, इसको बना देंगे 10। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ नहीं था तो यहाँ से बोरो लिया, 10 बन गया। इसके पास भी कुछ नहीं था तो इससे बोरो लिया, यहाँ पर भी 10 बन गया। तीनों 10 बना दिए, लेकिन इसके लिए यहाँ से बोरो लिया तो यहाँ रह जाएगा 9। अब इसके लिए आगे वाले से बोरो लिया तो उसके पास भी क्या रह जाएगा, 9। अब माइनस करेंगे 10 में से 1 कट किए 9, देन 9 एंड लास्ट नंबर इज 9। तो हमारा प्रीडिसेसर नंबर आ जाएगा 999। और एग्जाम्पल्स हैं हमारे। अब बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन नंबर्स का हमें सक्सेसर भी फाइंड करना है एंड प्रीडिसेसर्स मीन्स। फिर से देखते हैं कि प्रीडिसेसर की मैंने आपको क्या पहचान बताई है। प्रीडिसेसर मीन्स पहले वाला नंबर, और सक्सेसर जब हमें पहले वाला नंबर मिल जाएगा तो इट मीन्स सक्सेसर का मतलब क्या हो गया, अगले वाला नंबर, जो अगला नंबर आता है। तो 7986 सक्सेसर में वन क्या करते हैं, प्लस, और प्रीडेसर में बच्चों क्या करते हैं, वन माइनस करते हैं। तो 7986 में हमें वन प्लस करके अपना नंबर निकालना है सक्सेसर। ये आ जाएगा हमारा लास्ट डिजिट, देखो 86। आगे वाले डिजिट हम ऐसे ही राइट कर देंगे और लास्ट डिजिट एक इंक्रीज मीन्स बड़ा कर देंगे, 6 के बाद नंबर आ जाएगा 7। ये तो हो गया सक्सेसर, और प्रीडिसेसर पीछे वाला नंबर, जो लास्ट नंबर है उससे बैक, लास्ट नंबर से पिछला नंबर ले लेंगे। 7986 था हमारे पास तो 85 हो जाएगा प्रीडिसेसर नंबर। हम ऐसे भी सॉल्व करते हैं और वन प्लस और वन माइनस करके भी हम सक्सेसर और प्रीडिसेसर नंबर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 10639। इसका पहले हम सक्सेसर बताएंगे। सक्सेसर मीन्स वन प्लस करना। अब वन प्लस करेंगे तो 9 और 1 10,
वन कैरी हम ऊपर राइट कर देंगे, थ्री एंड वन फोर सिक्स जीरो वन, तो हमारा सक्सेसर आ जाएगा 10,640। और इसी तरह अब हम इसका प्रीडिसेसर राइट करेंगे 10,600, यहाँ 39 है और प्रीडिसेसर में बच्चों क्या होता है पहले वाला नंबर, तो 39 का पहले वाला नंबर 38 आ जाएगा। लास्ट है हमारे पास 416493 का सक्सेसर भी बताना है, प्रीडिसेसर, तो सक्सेसर में बच्चों क्या कर देते हैं 1+, इट मीन्स जो लास्ट नंबर है उसको 1 और ऐड करके नंबर राइट करेंगे, 416493 का आ जाएगा 94। और प्रीडिसेसर में क्या करेंगे, 416493 का क्या बन जाएगा बच्चों 92। 1 माइनस करेंगे तो प्रीडिसेसर नंबर आ जाएगा और 1 प्लस करेंगे तो हमारा सक्सेसर नंबर आ जाएगा। तो बच्चों ये था सक्सेसर और प्रीडिसेसर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको सक्सेसर और प्रीडिसेसर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे होम।